ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल कोऑर्डिनेशन इफेमर्स। आप आरएनए के लिए यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं, इसमें जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसमें आपने पहले पढ़ा जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में, अब जो है हम केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन जो हमने ह्यूमंस में पढ़ना है, असल में केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में होता है, सभी एनिमल्स में होता है, पर्टिकुलरली जो है वर्टिब्रेट्स में होता है। बट जो है आपकी जो किताब है उसमें सिर्फ आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन ह्यूमंस में पढ़ना है। तो इंसानों की बात करें, आप जानते हैं बच्चों कि ह्यूमंस के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मैं आपको समझाऊंगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स किनको कहते हैं, ग्लैंड किसको कहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक सिस्टम हमारे अंदर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इस एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो है बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, फ्रॉम आवर हेड टू आवर एब्डोमेन वी हैव सो मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते रहते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं इनसे बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस जो है हर दिन रिलीज होते रहते हैं। ये केमिकल सब्सटेंसेस को हम साइंटिफिकली हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन्स, क्योंकि हार्मोन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल, या हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन कैरियर, इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल, इसीलिए इसका नाम रखा गया है हार्मोन। ठीक है, तो इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स से जैसे आप जानते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम आवर हेड हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, जिसमें हमें हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, उसके बाद पिनियल बॉडी होती है, उसके अलावा हमारे यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, इसके बाद थाइमस ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, बहुत सारे पैनक्रियाज है, इतने सारे ग्लैंड जो है इन ग्लैंड से रूल जो है केमिकल सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट रिलीज होते रहते हैं जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। ये हार्मोन जो होते हैं इनको हम इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये इन एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलकर हमारी बॉडी के अंदर खून के जरिए से दूसरी जमुन पर जाकर वहां पर जो है कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, या किसी फिजियोलॉजिकल या मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं। इस तरह हमारे अंदर जो है संतुलन को बना रहता है। इस तरह जो है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जो काम होने वाले होते हैं जो हो जाते हैं बाय मींस ऑफ दीज हार्मोन्स। तो इनके लिए स्पेशल सिग्नल्स आते हैं जो ब्रेन से ही आते हैं। सिग्नल्स के आने से फिर एक स्टिमुलस होना जरूरी है। एक स्टिमुलस जो होता है वो इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है और टाइम टू टाइम इन में से जो है केमिकल्स निकलते हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जो है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को जो है अंजाम देते हैं। इस तरह हम रोजमर्रा जो है अपनी बॉडी में जो काम होते हैं हमें वो हम चला पाते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन्स क्या होते हैं, हम इन्हीं हार्मोन्स की पहले बात करेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय हार्मोन्स? तो जैसे मैंने कहा हार्मोन्स को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पहला हार्मोन जो दुनिया में डिस्कवर किया गया था वो था सेक्रेटिन हार्मोन। कौन था? सेक्रेटिन हार्मोन। ये एक हार्मोन होता है जो हमारे जीआईटी से निकलता है। पढ़ा चुके हैं हम आपको जीआईटी मींस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये एलिमेंट्री के नाम से रिलीज होता है, स्पेशली ड्यूरिंग नम से रिलीज होता है, ये आपने पढ़ा है। ये पहला हार्मोन था जो डिस्कवर किया गया था। तो हार्मोन जो होते हैं ये असल में इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा दे आर इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स, दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस। ये ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब आप जानते हैं दैट कम केम फ्रॉम द लिविंग पार्ट या लिविंग बॉडी से जो डिराइव होता है, इसमें कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक केमिकल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस जो डिफरेंट ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। यानी डिफरेंट ऑर्गेनिक नेचर का मतलब होता है बच्चों कि ये डिफरेंट जो है केमिकल्स के, डिफरेंट जो है कंपाउंड्स के बने होते हैं, डिफरेंट चीजों के जो बने होते हैं। मोस्टली ये
प्रोटीन नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो अक्सर ये प्रोटीन से बने होते हैं, या डिफरेंट जो है, कोई कोई में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, कोई कोई में जो है फैट मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने कहा ये इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो रिलीज होते हैं कहां से, ये अभी मैंने जो आपको बताया एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनसे रिलीज होते हैं, विच आर रिलीज्ड बाय स्टिमुलेटेड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। स्टिमुलेटेड का मतलब होता है जो एक्टिवेट किया गया होता है, स्टिमुलेटेड एंडोक्राइन ग्लैंड्स से रिलीज होते हैं। क्यों रिलीज होते हैं? इन रेस्पॉन्स टू द इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अगर एक्सटर्नल कोई स्टिमुलस आता है, in response to the change in our body, na? External or internal change in the body, understand? तो ये हार्मोन जो है रिलीज होते हैं। कौन रिलीज करता है इनको? स्टिमुलेटेड एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है रिलीज करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये ब्लड के अंदर जाकर दूसरे बॉडी पार्ट्स में चले जाते हैं, अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो अदर बॉडी पार्ट जो होते हैं उनमें चले जाने के बाद ये किसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मींस बॉडी फंक्शन, जो हमारी बॉडी में काम होते हैं उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। तो कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ये स्टार्ट करते हैं या उस एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं, अंडरस्टैंड? दैट मींस ये रिलीज होते हैं जब भी कोई चेंज हमारी बॉडी में आती है, और उस चेंज के अगेंस्ट ये रिलीज होकर हमारी बॉडी में कोई काम स्टार्ट करते हैं या किसी काम को खत्म होकर स्टॉप करते हैं। दैट मींस दे आर रिलीज्ड फॉर द गुड ऑफ बॉडी, ये हमारी बॉडी की अच्छाई के लिए रिलीज होते हैं। जैसे आप जानते हैं एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन, थोड़ी सी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। ये हार्मोन रिलीज होता है पैनक्रियाज से, ठीक है। ये हार्मोन अगर रिलीज ना हो तो आप जानते हैं बच्चों एक बीमारी है जो आजकल दुनिया में बढ़ती हुई बीमारी है, इसको डायबिटीज कहते हैं, शुगर बीमारी कहते हैं। अगर ये हार्मोन रिलीज ना हुआ तो हम इस बीमारी का शिकार हो जाएंगे, जिससे खून के अंदर शुगर की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, फिर इसके बहुत सारे और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एक बहुत ही गंदी बीमारी होती है। अब इंसुलिन का काम क्या होता है, जितना भी आप एक्स्ट्रा शुगर खाते हो, चाहे जितना भी आप खा लो, ये हमारे ब्लड के अंदर नॉर्मल 120 mg/100 ml ब्लड की जो कंसेंट्रेशन होती है शुगर की, वो मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है? यही इंसुलिन। और जो लोग इसे सफर करते हैं फिर आप देखते हैं उनके ब्लड में शुगर लेवल कितनी इंक्रीज हो जाती है, और वो किस हद तक फिर जो है परेशानी में जो है चले जाते हैं। That's important function of this insulin. ठीक है, अब ज्यादा हो गया glucose, insulin release हो गया, तो glucose की presence in the blood is a stimulus. Response from our body is the activation of pancreas. तो वो pancreas activate होकर क्या release करेगा? Insulin. Insulin जाएगा और इस sugar के metabolism को जो है maintain करेगा, liver में जाकर इसको convert करेगा glycogen में, हाँ इसका काम होता है glycogenesis, ठीक है। Then after that इसको body में जो store करेगा, extra glucose को store करेगा, इससे हमारे खून के अंदर जो sugar की concentration है वो maintain रहेगी, ठीक है। ये एक hormone का जो है काम होता है। अदरवाइज ये hormone ना है, जिसमें रिलीज नहीं हुआ, तो उसको शुगर की बीमारी होती है, फिर उसको शुगर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो अदरवाइज बहुत सारी चीजों में परहेज भी करना पड़ता है, नहीं खानी पड़ती है, तो ये एक बहुत खतरनाक बीमारी बन जाती है। तो हम पढ़ेंगे ये हार्मोन्स जो होते हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या होते हैं ये आपके एग्जाम में आ जाएगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन हार्मोन्स के। पहला आप याद रखो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बच्चों ये हार्मोन जो होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, और जिनका क्या होता है डिफरेंट ऑर्गेनिक नेचर होता है। क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गेनिक नेचर। जैसे मैंने आपको कहा ये डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस के बने होते हैं, ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा मैंने कहा दीज आर रिलीज बाय स्टिमुलेटेड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, रिलीज बाय स्टिमुलेटेड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये कहां से निकलते हैं? स्टिमुलेट हुए एंडोक्राइन ग्लैंड्स से, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं बाद में आपको पता चल जाएगा। तीसरा इसमें क्या है, दे आर रिलीज्ड इन
स्मॉल क्वांटिटीज, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, ये रिलीज होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, छोटी छोटी क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं ये। नंबर चार क्या है, देयर इफेक्टिव इन स्मॉल क्वांटिटीज, इफेक्टिव इन स्मॉल क्वांटिटीज, लार्ज क्वांटिटी में इनका काम नहीं हो पाता है, इफेक्टिव इन स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है। हार्मोन इज इफेक्टिव व्हेन इट्स ओनली रिलीज्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। अब पांचवा क्या है इनका, दे आर कैरीड बाय ब्लड, इनको कौन कैरी करता है, इनको कैरी करता है ब्लड, कहां कैरी करता है, टू टारगेट ऑर्गन्स, यानी एक हार्मोन जो होता है उस पर लिखा होता है कि वो कहां जाएगा, ठीक है, जैसे लेटर पे लिखा होता है एड्रेस कि वो कहां चली जाएगी, वो लेटर जिसके लिए वो होती है, उसी तरह एक हार्मोन के ऊपर लिखा हुआ होता है कि वो कहां जाकर काम करेगा। कहने का मतलब है दे आर कैरिंग द ब्लड टू टारगेट ऑर्गन्स, इसका मतलब ये होता है कि ये जहां रिलीज होते हैं दे एक्ट एडी फ्रॉम साइट ऑफ सेक्रेशन, फ्रॉम साइट ऑफ सेक्रेशन, ठीक है, जहां ये रिलीज होते हैं वहां ये काम नहीं करते हैं, इनको कैरी किया जाता है, कौन कैरी करता है, ब्लड कैरी करता है टू द टारगेट ऑर्गन, ठीक है। दैट मींस ये टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, क्या होते हैं, दे आर टारगेट स्पेसिफिक, क्योंकि खून जो है वो बॉडी के हर एक पार्ट में चला जाता है। अब इस हार्मोन को कैसे पता है कि इसको कहां काम करना है, इस हार्मोन ये जहां काम करेगा उस पार्ट के अंदर, उस ऑर्गन के अंदर, उस टिश्यू के अंदर इसके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, यानी इसको वहां पर रिसीव किया जाता है, दूसरी जगहों पर उसको बगाया जाता है, वहां रिसीव किया जाता है, वहां रिसीव होकर ये अपना काम चलाता है। तो दैट मींस दे आर टारगेट स्पेसिफिक। एंड एट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दे आर कंज्यूम्ड, ये खर्च होते हैं, यानी इस्तेमाल होते हैं इन दियर वे ऑफ एक्शन, जब ये काम करते हैं तो वहां पर इनका इस्तेमाल हो जाता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड हार्मोन। एंजाइम जो होता है वो केमिकल रिएक्शन में काम करके रिलीज हो जाता है एंड में, वो दूसरी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, लेकिन जो है हार्मोन एक बार खर्च हो गया तो खर्च हो गया, ये निकलता नहीं है रिएक्शन से, ठीक है। तो ये हार्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब आपने डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ने हैं और उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको आज बताऊंगा उनके बारे में, हम आगे पढ़ेंगे, आज बताऊंगा ग्लैंड क्या होता है। एक ग्लैंड जो है वो एक सेल हो सकता है, यूजुअली एक टिश्यू होता है, या एक ऑर्गन भी हो सकता है, ठीक है। अ सेल, अ टिश्यू और एन ऑर्गन दैट इज सिचुएटेड या लोकेटेड एट सम स्पेसिफिक पोजीशन इन आवर बॉडी, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे, मैं लिखूंगा यहां पर एनिमल बॉडी, ये आल्सो एनिमल्स बट सोशल एनिमल्स, तो एनिमल बॉडी में ये सभी एनिमल्स में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, तो ये वहां पर जो है स्पेसिफिक पोजीशन पे लोकेटेड होते हैं एंड स्पेशलाइज्ड होते हैं टू सिक्रीट यूजफुल केमिकल सब्सटेंसेस। अभी मैंने कहा ग्लैंड के बारे में, यूजफुल केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ग्लैंड का मतलब ऐसा एक सेल, एक टिश्यू या एक ऑर्गन जो एक एनिमल के एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे, मतलब बॉडी में किसी स्पेसिफिक जगह पे लोकेटेड होता है, वो स्पेशलाइज्ड होता है कि वो सीक्रेट करे कुछ यूजफुल केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में डिफरेंट काम फंक्शन अंजाम देने के लिए जरूरी होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, इसको हम ग्लैंड कहते हैं। तो इन ग्लैंड्स के जो है इनके तीन टाइप्स होते हैं, आज मैं आपको वो टाइप्स बताऊंगा, कल मैं आपको हर एक ग्लैंड के बारे में सेपरेटली पढ़ाऊंगा। ग्लैंड्स के तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है जिसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, क्या कहते हैं बच्चों, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरा होता है जिनको कहते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, और तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन का मतलब होता है मिक्स्ड ग्लैंड, अब एक टिपिकल टर्म में हम इसको हेटेरोक्राइन ही कहते हैं। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इनको आप टुगेदर कह सकते हो होलोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, होलोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन, ठीक है।
ये आप आगे पढ़ोगे हेल्थ क्लास में। अभी आप याद रखो सिर्फ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन किसको कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं इन्हें कहते हैं हम डक्टिव ग्लैंड्स। आप जानते हैं जैसे एक ग्लैंड है कहीं पर तो अपनी सिक्रीशन को वो रिलीज करेगा, वो कैसे करेगा एक पाइप से, उस पाइप को हम कहते हैं डक्ट। तो इनके पार्ट्स होते हैं, डक्ट्स होते हैं, उन डक्ट्स के जरिए ये अपनी सिक्रीशंस को छोड़ देते हैं कहां, हमारी बॉडी की किसी कैविटी में। ठीक है, कैविटी माने तो खाली जगह, जैसे आपके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ देते हैं, ठीक है, जिनमें एंजाइम्स होते हैं बॉडी कैविटी के अंदर या ऑन द बॉडी सरफेस। अब आप बोलोगे ये बॉडी सरफेस की बात क्या है, मैं एग्जांपल दूंगा जो सिर्फ और सिर्फ एक्सोक्राइन ग्लैंड है और कोई ग्लैंड नहीं है उसकी एग्जांपल दूंगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड यहां पर हमारे पास लिवर है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जिससे बाइल जूस निकलता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड आपके पास है जिसको हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड, ठीक है बच्चों, हां, या बहुत सारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है जो स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इनकी पाइप होती है, उस पाइप के जरिए अपने केमिकल सब्सटेंस को छोड़ देते हैं, यूजुअली इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फूड डाइजेशन में काम करते हैं, इसको एक्सोक्राइन कहते हैं, डक्टिव ग्लैंड कहते हैं। जैसे स्वेट हमारी बॉडी के ऊपर रिलीज होता है ऑन द सरफेस बट कोई इनसाइड द बॉडी कैविटी भी रिलीज हो सकता है। तो दूसरे ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आप कहते हो डक्टलेस ग्लैंड्स, इनको पाइपों की जरूरत नहीं होती है, दे डोंट कंटेन डक्ट्स। तो इनमें क्या होता है, एक ये ग्लैंड है और इसके अराउंड जो है ब्लड सप्लाई होती है, जब भी इसको कोई चीज सीक्रेट करना होता है डायरेक्टली उसको इस ब्लड की सराउंडिंग सप्लाई में छोड़ देता है, फिर ब्लड उसको कैरी करता है एक टारगेट ऑर्गन के पास, ठीक है। तो इनको कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, इनका कोई डक्ट नहीं होता है, ये अपनी सीक्रेशन को सीधे ब्लड में डाल देते हैं, फिर ब्लड का काम होता है उसको उस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाए। जैसे एग्जाम्पल है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो आपके दिमाग का एक अहम हिस्सा होता है। जैसे टिपिकल एंडोक्राइन ग्लैंड जो सिर्फ एंडोक्राइन है वो आपके पास बहुत सारे हैं, थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के पीछे पैरा थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, इतनी एग्जांपल्स अभी काफी है क्योंकि सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो लास्ट एंड दी सबसे लास्ट वाले जो ग्लैंड्स होते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन अगर आपको याद नहीं रहता है तो सीधे लिख सकते हो आप मिक्स्ड ग्लैंड्स। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं बच्चों, हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिनमें एक्सोक्राइन टिश्यू भी होता है और जिनमें एंडोक्राइन टिश्यू भी होता है, कंफ्यूज नहीं होना, एक्सोक्राइन पार्ट भी उनका होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी उनका होता है। उनके एक्सोक्राइन पार्ट में डक्ट होता है और वो डक्ट से उस सेक्रेशन को किसी कैविटी में छोड़ देते हैं। उनका एंडोक्राइन पार्ट जो होता है उसमें स्पेशल सेल्स होती है जो सीधे सेक्रेशन को सराउंडिंग ब्लड में छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे एक टिपिकल हेटेरोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल है हमारी बॉडी में पैनक्रियास, ठीक है। इस पैनक्रियास के दो पार्ट्स होते हैं, एक इसमें होती है पैनक्रियाटिक सेल्स जिनको कहते हैं पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स, उनसे निकलता है पैनक्रियाटिक जूस, आपने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा है। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो ड्यूडिनम के अंदर फूड के साथ मिलकर डिफरेंट फूड न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन करते हैं। और इसका दूसरा पार्ट जो होता है उसमें आती है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये भी आप पढ़ चुके हो, ये स्पेशल सेल्स होती है जो इसका एंडोक्राइन पार्ट होती है, इनसे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, टिपिकल इसमें निकलता है इंसुलिन एंड ग्लूकागन। तो ऐसे ग्लैंड्स जैसे इसमें आते हैं और टेस्टिस इन द मैन एंड ओवरीज इन द वुमेन, दीज आर आल्सो हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। तो ऐसे ग्लैंड्स जिनका एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है, दोनों से जो है सिक्रीशंस निकलती है, ठीक है बेटा। दैट्स ऑल अबाउट ग्लैंड एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, कल हम सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में एक-एक करके पढ़ेंगे।